हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। मैंने मेरे घर के हॉल में ये कारपेट बिछाया था, अभी मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा दिन बिछा रहा तो इसके नीचे धूल जम जाती है और फिर घर की क्लीनिंग भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। अभी मैंने सोफे को इस साइड कर दिया था, अभी इसे बराबर में लगा लेती हूँ। और अभी इस कारपेट को मैं टेरेस पे रख दूँगी और अच्छे से इसे साफ करके इसको एक दिन की धूप दिखा दूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। अभी मैंने कारपेट को टेरेस पे रख दिया है और अभी मैं सोफा कवर को अच्छे से सेट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अभी मैंने सोफा कवर को भी अच्छे से झटक लिया है, अभी मैं इसे सोफे में लगा लूँगी। और फ्रेंड, अभी मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, इससे घर जल्दी से क्लीन हो जाता है। और मैंने इस बेडरूम की बेडशीट भी चेंज कर दी है, भी यहाँ पे भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। वैसे तो रात में घर क्लीन करके ही सोते हैं, इसलिए घर तो क्लीन ही रहता है, लेकिन थोड़ी सी डस्ट आ जाती है। और अभी मैं इस बेडरूम की भी सफाई कर देती हूँ, इसमें भी अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और इसकी बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। और अभी मैं किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी। और अभी मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी अच्छे से। मैंने मॉप बकेट में 2 ढक्कन फ्लोर क्लीनर डाल दिया है। सबसे पहले मैं इस रूम में पोछा लगा लूँगी क्योंकि इसी रूम में मंदिर है, इसलिए इस रूम में पहले पोछा लगा लूँगी।
और अभी मैं किचन में पोछा लगा लूँगी। मैंने गैलरी को भी वॉश कर लिया है। और फ्रेंड्स, इस मॉप की वजह से ना जल्दी से घर में पोछा भी लग जाता है, पर ना हाथ से लगाने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं कभी कभी हाथ से भी लगाती हूँ। अभी मैं इस वाले मास्टर बेडरूम में भी पोछा लगा लेती हूँ। ये बेडरूम मेरा ज़्यादातर क्लीन ही रहता है, क्योंकि मेरी बेटी स्टडी दूसरे बेडरूम में करती है। और अभी मैं इस हॉल में भी पोछा लगा लेती हूँ। इसमें मैं थोड़े अच्छे से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि इसमें कारपेट बिछा था तो अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। मैं फैन के बटन ऑन कर देती हूँ, जिससे जल्दी से सूख जाएगा। और अभी मैं इस बाहर के पैसेज में भी पोछा लगा लेती हूँ। और मॉप को वॉश करने के लिए मैं रख दूँगी। अभी मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने बाहर के पैसेज को भी पोछा लगा लिया है, ये भी क्लीन हो गए हैं। और मेरा पूरा घर भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं, हॉल अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और मैंने बेड पे ये वाली बेडशीट बिछाई है। और ये बेडरूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। बेडशीट तो मैंने पहले ही चेंज कर दी थी। और ये बेडरूम भी मेरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। इस बेडरूम में कोई सोता नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी स्टडी करती है। और इसी बेडरूम में उसका टेंट भी रखा है, तो यहाँ पे वो खेल भी लेती है।
और यहाँ पे मेरा मंदिर रखा हुआ है। किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और गैलरी को भी मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। और अभी मैंने नहा लिया है और अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और अभी मैं टेरेस पे कपड़े सुखा देती हूँ। आज मैंने डबल बेड और सिंगल बेड की सारी बेडशीट धोने के लिए डाली थी। और आज कपड़े ज़्यादा है इसलिए मैं टेरेस पे सुखा रही हूँ, नहीं तो मैं गैलरी में भी सुखा लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। अभी हम नीचे जाएंगे। मैं टेरेस का डोर क्लोज कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यही तक का था। यही है मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। थैंक यू।